ये भगवान के नाम पे 50 रुपए दो इसको, पीयूष को। मेरा हो गया बहुत ज्यादा दिमाग खराब। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अवमाना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। तो आपका स्वागत है भाई मेरे चैनल में और एक और नए व्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज मंडे है तो भाई सबको हर हर महादेव। नीचे उतरते हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गए। क्यों? क्योंकि यार आज ना हमने डॉक्टर के पास जाना था, वो डॉगी को लेके। डॉगी का एक्सरे होना था और यार और आगे का फर्दर ट्रीटमेंट होना था उस डॉगी का। आपने व्लॉग में देखा होगा यार वो डॉगी की क्या हालत हो रखी थी। अभी भी मेरी बात हुई थी तो यार वो अभी भी ना उठा नहीं है, उसने आंखें वाखे नहीं खोली है। वो अभी तक यार मतलब काइंड ऑफ कोमा में ही है, बट वो यार ब्रीथ वगैरह कर रहा है। तो भाई भगवान से प्रेयर करेंगे हम कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी रिकवर करे और वापस से भाई रोडों पे भागना स्टार्ट कर दे और खेलना कूदना स्टार्ट कर दे। तो एक काम करते हैं, आप फटाफट नीचे उतरते हैं, सीधा चलते हैं भाई संजय गांधी, उसको लेके फटाफट से उसका एक्सरे वगैरह कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर घर आते हैं, फिर घर आके देखते हैं यार आगे का क्या सीन होता है। तो आपको मिलते हैं सीधा नीचे। तो आज की राइड है सबसे स्ट्रांग मेरे भाई के साथ। इतना स्ट्रांग है ना भाई, ये छोटा सा बच्चा इतना स्ट्रांग है ना, क्या बताएं। टचवुड भाई, टचवुड कर नहीं सकते, सामने मंदिर है भाई, हर हर महादेव नजर ना लग जाए, पर इतना स्ट्रांग बच्चा ना ये भाई, क्या बताएं। मजेदार भाई, फटाफट चलते हैं अब इसका इलाज कराते हैं। देखो पीछे भाई आराम से सो रहा है गाड़ी में, फुल ओके की रिपोर्ट। चलो अब चलते हैं, आपको मिलते हैं सीधा संजय गांधी और बताते हैं भाई व्लॉग में कि डॉगी की क्या सिचुएशन है। गाइस हम हॉस्पिटल से आ गए थे और डॉगी की ना बहुत ही ज्यादा यार क्रिटिकल कंडीशन है। नॉर्मल ना डॉग्स का टेम्परेचर होता है 102 से लेके 104 के बीच में उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, क्योंकि उनकी बॉडी ना बहुत हीट रहती है, हीटेड रहती है हमारे अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस। तो उसका टेम्परेचर था 94, तो आप सोचो भाई कितना मतलब उसका शरीर ना ठंडा पड़ रहा था। तो उसको भाई अपना इलाज वगैरह कराया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, हीटर के आगे थोड़ी देर रखा। अब भाई फिर वो अभी भी घर पे ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन है किसी के, अपना हीटर वगैरह के आगे उसको रखा हुआ है। भाई आप सब भाई प्रेयर्स करो डॉग के लिए। मैं भी अभी मंदिर जा रहा हूँ भाई, मैं भी प्रेयर करूंगा कि भाई छोटा सा अपना भाई पप्पी प्यारा सा बढ़िया से भाई तगड़ा हो जाए और रोडों पे भागे भागे भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आता है देख के। जब छोटे छोटे पप्पी भाई बड़े हो जाते हैं ना, उनके लिए भाई बहुत मुश्किल है। इधर हम तो भाई सर्वाइव कर जाते हैं, हम ह्यूमंस के बच्चे। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई ऐसा बेड मिला हुआ है, इतने प्यारे प्यारे हमें चीजें मिली हुई हैं, हम सर्वाइव कर जाते हैं। उनको तो भाई रोड पे सोना है, गाड़ी वाले आते हैं, कभी गाड़ी वाला उड़ा देता है, कभी कोई उड़ा देता है, कभी कोई उड़ा देता है। तो यार प्रेयर्स करो अपने छोटे पप्पी के लिए प्यारे से, सारे कमेंट में गेट वेल सून लिखो, शायद आपकी प्रेयर्स की वजह से भाई वो बच जाए प्यारा सा पप्पी। तो फटाफट से मूड चेकअप करने के लिए भाई नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं, हम चलते हैं मंदिर, फिर चलते हैं जिम, अगम भाई आ रहे हैं, उसके बाद जो भी सीन होगा आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। और यार बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है भाई, सुबह उठते ही डॉक्टर के पास गए, वहाँ इतने सारे डॉग्स वॉग्स होते हैं ना। अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो और वो डॉग लवर है ना, वो तो वो मेरी फीलिंग समझ जाएगा इस टाइम पे, तो भाई कितना बुरा लगता है ये चीज़ देख के। तो चलो कोई नहीं, अपना जिम विम चलते हैं। प्री वर्कआउट वैसे ही ख़त्म हो रखा था तो आज मूड ख़राब हो गया, तो एक काम करते हैं ये मूड ख़राब वाले सीन को ना प्री वर्कआउट की तरह यूज़ करते हैं, बढ़िया सा वेट वेट मारेंगे, आपको जिम में दिखाते हैं। गाइज मेरा व्लॉग लाइव हो चुका है, जाके फटाफट से सारे व्लॉग्स देखो और सारे व्लॉग्स पे यार प्यार बरसा दो। जैसे अभी 2 मिनट में भाई 4 व्यूज हो गए, इसका मतलब यार लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखा है, और जिसने नहीं करा अभी तक वो भी बेल आइकन प्रेस करो, जैसे ही व्लॉग डलेगा आपको नोटिफिकेशन आएगी। और जाके फटाफट से उसी टाइम व्लॉग देखो, लाइक करो, कमेंट करो और प्यार बरसा दो जितना बरसा सकते हो, ठीक है गाइज। गाइस जिम से आ गया, पीयूष की तरफ से आया कुछ, हाथ जोड़ दिए हैं पे। एक फोन भी नहीं करा तूने पप्पू, पनीर करियो 50 का, पनीर की रोटी खानी है बुर्जी भाई, बुर्जी पप्पी लग रहा है स्मार्ट पप्पी, मैं कट्टी लगी हुई आज। ये भगवान के नाम पे 50 रुपए दो इसको, पीयूष को दे वे, ये ले का दिल बड़ा लो ले वे, 50 की कमाई करा दी है अभी। आंटी आंटी आंटी, भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर।
ले पनीर चेक कर दे पहले, चेक कर भाई के, चेक कर पहले, हाँ चेक कर ये ले। ओके है, ओके है, ओए काम वो पूरा पीस खा गया, चेक कर दे एक बार ये ले। हेलो ये भाई जानी मानी हस्ती हमारे रमेश नगर की, पप्पी इसकी काज क्या पप्पी, पप्पी मुंबई, ये देख ले इसको फिर खुशहाल को देख ले फिर उधर देखना, मैं तो देख रहा है। भगवान अपने पे सही कृपा कर रहा है, पहले दोस्तों को भेज देता है जिम के बाद ना रोज किसी ना किसी को कि आपको खिलाने पिलाने की टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, माल पानी आता रहेगा, उसकी रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है, बिल जब आएगा मैं इसके हाथ भी दूंगा। चलो यार घर चलो यार, फोन आ रहा है मम्मी का, फोन दो बोला बोला बोलने तो दे यार। गाइस ये कंटेंट ही नहीं बनाने दे रहा, ये कह रहा है वीडियो चालू कर लेते यार छोटी बात पे, मेरे लिए जूस ले आए वही मनाली वाला 500 वाला दिखा, अभी तक वो गम नहीं जा रहा दिल में से, वो जो 500 रुपए का जूस पी लिया था ना, 540 रुपए भाई, अभी तक गम नहीं जा रहा उस चीज का। चलो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं अपना वहाँ दक्ष के घर, हुक्के के नशे करते हैं थोड़े से, बाकी बढ़िया रील वील बनाते हैं, रील वगैरह आज भी हमने पोस्ट करी थी, और तो जिसने अभी तक फॉलो नहीं करा वो फटाफट से फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, आपको QR कोड मिल जाएगा मेरी वीडियो में, QR कोड को स्कैन करो और फटाफट भाई आयो महंगी बातचीत करके इंस्टाग्राम पे, कुछ पैसे भेज दो QR कोड से ना, QR कोड भाई बन गया ओके की रिपोर्ट इंस्टाग्राम का, हाँ स्कैन करो सीधा इंस्टाग्राम पे और लाइक करो और फिला दो वीडियो, बाकी अभी चलते हैं जुल्फी गार के घर। गाइस इनके बस के कुछ है नहीं, सबसे मेन चीज ये मेरे से बनवाते हैं चिल्लम, क्रेडिट मेरे को आज तक नहीं दिया इन्होंने, ये कहाँ से पानी भर रहा है ये तो, अच्छा ये कहाँ घुस गया अंदर, ये पानी देखियो कहाँ से भर रहा है, आए आए मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, क्या होता भाई एग्जैजरेट, क्या होता भाई वैसे तुम्हारे भाई का हो गया अब दिमाग खराब, कल ही शेव वेव के साथ एक और कलर चेंज कराने वाले हैं कल, ठीक है कल ही बच जाना बहुत तगड़ा ब्लॉगर, हाँ कल एक और कलर चेंज कराऊंगा, मेरा हो गया मत्था खराब इसकी बकरी की शक्ल देख के, मेरा हो गया बहुत ज्यादा दिमाग खराब। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं यार, दक्ष के घर से घर आ चुका है, फटाफट से एडिटिंग करते हैं और फिर जाते हैं सोने, तो आप फटाफट से आप एक काम कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, जिसने बेल आइकन नहीं प्रेस करा वो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, भाई साहब सांस चढ़ गई, ठीक है गाइस ध्यान रखना ये चीज़। और अभी अभी भाई दिमाग में एक आइडिया आया बहुत ही ख़तरनाक, मैं देख रहा हूँ यार व्यूअर्स वगैरह ना नई व्यू कर रहे मेरी वीडियोस वगैरह, तो कोई नहीं यार, कोई कोई होते हैं वीडियो ऐसी होती हैं, मैं खुद मान रहा हूँ थोड़ी बहुत बोरिंग बनती हैं या सेम कंटेंट देख देख के नहीं करते, तो बट एक दिमाग में अभी एक आइडिया आया बहुत ही ख़तरनाक, जैसे उसके लिए टाइम मिलेगा शायद आजकल मैं वो वीडियो बनाऊंगा, मैं बहुत ख़तरनाक आइडिया मस्त सा फुल इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है उसके लिए जुड़े रहना और बाकी सारे ब्लॉग्स देखो और ऐसे प्यार करते रहो, आपको मिलते हैं अब सीधा कल के ब्लॉग में।